हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मंदीप है और आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल को अपने डेटा के ऊपर फाइन ट्यून कर सकते हैं, कैसे रिट्रेन कर सकते हैं ताकि वो आपको जो है बेहतर और बेटर रिजल्ट दे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, मैंने एक वेब पेज खोला हुआ है, हगिंग पेज स्लैश ऑटो ट्रेन। सो बेसिकली आज की वीडियो में यही हमारा टॉपिक है, ऑटो ट्रेन का। ऑटो ट्रेन क्या है कि ऑटो ट्रेन बेसिकली एक लाइब्रेरी है, पैकेज है जो कि हगिंग फेस ने रिलीज किया है, जिसकी हेल्प से आप किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को अपने डेटा के ऊपर फाइन ट्यून कर सकते हैं, बहुत ही इजी स्टेप्स फॉलो करके। तो ये उसका ऑफिशियल वेब पेज है। उसके बाद मैं आपको अगर लेके जाता हूँ इसकी ऑफिशियल गिटहब रेपो के ऊपर, ये वाली इसकी गिटहब रेपो है। इन दोनों के लिंक्स जो है मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके इसको रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसा ही आप नीचे स्क्रोल करेंगे, जस्ट लाइक एनी अदर पाइथन लाइब्रेरी, इसको आप अपनी लोकल मशीन पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको लोकल मशीन पे इंस्टॉल करने का तब फायदा है अगर आपकी मशीन जो है एक्सट्रीमली पावरफुल है, क्योंकि जैसे कि इसका यूज जो है आप अपने मॉडल्स को, ओपन सोर्स मॉडल को रीट्रेन या फाइन ट्यून करने के लिए अपने डेटा के ऊपर यूज करेंगे, तो बेसिकली आपका मशीन जो है बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। दूसरा एक तरीका ये है कि आप इस चीज को सेम को किसी क्लाउड, जीपीयू अनेबल्ड क्लाउड एनवायरनमेंट जैसे कि गूगल कोलैब में आप इसको जो है यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने दो एग्जांपल भी दिए हुए हैं, एलएलएम फाइन ट्यूनिंग के लिए एक गूगल कोलैब दिया और ड्रीम रूट ट्रेनिंग के लिए एक गूगल कोलैब दिया। तो आज की वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा लामा 2 को हम कैसे अपने डेटा सेट के ऊपर जो है फाइन ट्यून कर सकते हैं। जिन लोगों को अगर नहीं पता कि लामा 2 क्या है, लामा 2 एक ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि फेसबुक यानी कि मेटा ने कुछ टाइम पहले रिलीज किया था, और ये 3 डिफरेंट फ्लेवर्स में आता है, 7 बिलियन पैरामीटर के साइज में, 13 बिलियन और 70 बिलियन पैरामीटर के साइज में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एक गूगल कोलैब का नोटबुक है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद जैसा आप देख पा रहे हैं, हमें अलग से बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, हमें जो यहाँ पे जो सिंपल सिंपल से स्टेप्स मेंशनड है हमें वो वाले फॉलो करने हैं। तो ये वाले स्टेप्स में बेसिकली क्या है कि जैसा आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक फोल्डर बना लीजिए डेटा के नाम से, उसके अंदर जो है आप अपना डेटा जो है यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ से आगे के जो स्टेप्स हैं मैं स्पेसिफिकली जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको जो है एक राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे न्यू फोल्डर बना सकते हैं डेटा के नाम से। न्यू फोल्डर जैसे ही आप बनाएंगे इसको, लेट से डेटा के नाम से बना लीजिए। डेटा के नाम से बनाने के बाद आप उसको, उसके अंदर आपकी एक ट्रेन डॉट सी एस वी के नाम की फाइल होगी, उसके अंदर आपका एक टेक्स्ट कॉलम होना चाहिए, उसको यहाँ पे आप रख दीजिए, ठीक है। लेकिन हम जो है ये नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मैं जो डेटा इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए यूज करूंगा वो डेटा सेट जो है मैं जो हगिंग फेस के ऊपर पब्लिकली डेटा सेट्स अवेलेबल है उनको ही यूज करने वाला हूँ, ठीक है। सो उनको यूज करने के लिए बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अलग से कुछ नहीं करना है, आप पहले ये वाला स्टेप्स कर लीजिए। आप ये वाला स्टेप्स करने के बाद आपने फोल्डर बना लिया, फोल्डर बनाने के बाद मैं आपको ये बताता देता हूँ कि आपका जो है डेटा किस फॉर्म में होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एक जो डेटा सेट जो मैंने अभी ओपन किया है एल्पेका GPT-4 का, ये हगिंग फेस के ऊपर पब्लिकली अवेलेबल है। इसका मैं एक एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ, आप सिमिलर वे में आप अपने डेटा सेट को उस फॉर्म में ले या उस फॉर्मेट में लेके आ सकते हैं। फिर आप उस अपनी जो CSV फाइल है उसको वहां पे डेटा फोल्डर के अंदर जो है डंप कर सकते हैं, फिर आगे का प्रोसेस शुरू हो सकता है। सो जैसे आप देख पा रहे हैं इस डेटा सेट में बेसिकली इस ट्रेन डॉट CSV फाइल में 52,000 रोज हैं और इसके अंदर 4 कॉलम है, इंस्ट्रक्शन, इनपुट, आउटपुट एंड टेक्स्ट। सो बेसिकली आपका ये वाला मॉडल जो या ये वाली लाइब्रेरी क्या एक्सपेक्ट करती है कि आपकी एक ट्रेन डॉट CSV होगी जिसके अंदर सारा टेक्स्ट कॉर्पस होगा। अब आप ये बोलेंगे कि मेरे तो 3, 4 या 5 या n नंबर ऑफ कॉलम्स है, मैं वो कैसे करूंगा। सो आपको क्या करना है, जैसा इसमें कर रखा है, जैसे इन लोगों ने एग्जाम्पल दिखा रखा है, जैसे इंस्ट्रक्शन कॉलम में गिव 3 टिप्स फॉर स्टेइंग हेल्दी, इनपुट कॉलम में कुछ भी नहीं है, आउटपुट कॉलम के अंदर भी कुछ टेक्स्ट है, लेकिन इन्होंने एक और एक्स्ट्रा कॉलम बनाया हुआ है टेक्स्ट के नाम से, और
क्या कर रखा है कि इन तीनों कॉलम के कंटेंट को कंबाइन करके एक टेक्स्ट कॉलम में डाल दिया है, और फिर जो है आपका मॉडल या आपकी लाइब्रेरी सिर्फ इसी टेक्स्ट कॉलम को रीड करके अपनी ट्रेनिंग करेगी। अब अगर मान लो अब आप ये बोलेंगे कि अब तीनों कॉलम का कंटेंट अलग अलग है, वो मिक्सअप हो जाएगा, तो उसको अलग करने का भी एक तरीका है। एक काइंड ऑफ आप उसमें जो आइडेंटिफायर दे सकते हैं कि इतना कंटेंट जो है इस कॉलम का है, मतलब एक काइंड ऑफ सेपरेटर करने के लिए। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पहला वाला कॉलम था इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं डबल हैश इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और फिर उसका कंटेंट। ऐसे ही यहाँ पे इनपुट कॉलम में कुछ नहीं था तो उसका नहीं डाला है, उसके बाद सीधा आउटपुट या रिस्पॉन्स कॉलम में था, यहाँ पे डबल हैश रिस्पॉन्स और फिर इस कॉलम का कंटेंट डाला हुआ। ऐसे ही करके जो है सभी कॉलम्स को आप कुछ हैशटैग या कुछ एक सेपरेटर या आइडेंटिफायर डाल के उनको एक कॉलम के अंदर आप ला सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही लाने के बाद जो है ऐसे ही एक और डेटा सेट है, सिमिलर डेटा सेट है, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, टेक्स्ट का कॉलम है, और वो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ह्यूमन, ह्यूमन का कंटेंट ये रहा, असिस्टेंट ये असिस्टेंट का कंटेंट। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो कॉलम होंगे, एक ह्यूमन का एक असिस्टेंट का, दोनों के कंटेंट को एक कॉलम के अंदर ले आए हैं और हैशटैग और इन वर्ड से उनको आइडेंटिफाई या डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने डेटा सेट को इस फॉर्म में ला सकते हैं। जब आपका डेटा सेट इस फॉर्म में आ जाता है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये डेटा वाले कॉलम में जो है यहाँ पे डाल देना है, अगर आप सिमिलर इसी तरीके से ट्रेन कर रहे हैं तो, ठीक है। अब हम ये नहीं करेंगे क्योंकि ये डेटा सेट हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली हगिंग फेस पे अवेलेबल है। तो जैसे आप इसको रन करेंगे, ये रन करने के बाद आपको बोलेगा कि इसको कनेक्ट करना है, जब ये कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद जैसे आप यहाँ पे नीचे देख पाएंगे, यहाँ पे अब ये क्या करेगा कि ये सेटअप करेगा। जैसे मैं अगर आपको इसका कोड भी दिखाऊं तो कोड में क्या हो रहा है कि ये ऑटो ट्रेन को इंस्टॉल कर रहा है, और जो भी लॉग्स जनरेट हो रहे हैं इंस्टॉल लॉग्स डॉट टीएक्सटी में, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये इंस्टॉल लॉग्स डॉट टीएक्सटी आ गई, और ऑटो ट्रेन का सेटअप कर रहा है, और यहाँ पे जो सेटअप के जो लॉग्स होंगे वो यहाँ पे राइट हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस जो है 1 या 2 मिनट ले सकता है, जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होता है वी कैन टेक ए पॉज एंड वंस इट इज कम्प्लीटेड वी विल बी बैक। ओके, तो ये वाला सेटअप जो है ऑटो ट्रेन का कंप्लीट हो गया, जैसा आप देख पा रहे हैं ये इसने रन कर दिया और सारे लॉग्स जो जनरेट हो गए। तो उसके बाद नेक्स्ट हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रोजेक्ट कॉन्फिग। तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो है आप अपनी प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे बाई डिफॉल्ट माई ऑटो ट्रेन LLM दिया हुआ है, और यहाँ पे मॉडल नेम, मॉडल नेम मीन्स आप कौन से बेस मॉडल को जो है यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में ये एक बेसिकली नेम दे रखा है, ये मॉडल जो है आपका हगिंग फेस के ऊपर होस्टेड है, ठीक है। ऐसे ही एक और मॉडल है जिस इसी नाम से है, और बेसिकली ये भी लामा 2 वाला है और ये भी लामा 2 वाला है। तो जैसे हम यहाँ पे लामा 2 को ट्राई कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लामा 2 का नेम दे दिया है। जैसे आप इसको अगर हगिंग फेस पे चेक करेंगे तो ये मॉडल जो है लामा 2 पे होस्टेड है। सो इन नटशेल आपको ये वाला लामा 2 बेसिकली किस बेस मॉडल को आप फाइन ट्यून करना चाह रहे हैं वहां पे ये नेम आएगा मॉडल नेम के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपका मॉडल ट्रेन हो जाएगा, क्या आप उस मॉडल को दोबारा से अगेन फेस के ऊपर पब्लिश करना चाह रहे हैं? तो अगर हाँ तो यहाँ पे आपको डिटेल्स देनी है, और अगर नहीं तो आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हो। अगर आप पब्लिश करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप इसको ट्रू कर सकते हो, और अपना हगिंग फेस टोकन और किस नाम से आप जो है किस रेपो आईडी के नाम से जो आप इसको पब्लिश करना चाह रहे हो वो रेपो आईडी दे सकते हो। हम इसको पब्लिश नहीं करने वाले क्योंकि ये जस्ट इलस्ट्रेशन और एक एग्जाम्पल और एक डेमो पर्पज से हो रहा है, तो दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे कुछ हाइपर पैरामीटर्स या कुछ कॉन्फिग्रेशन है बाई डिफॉल्ट, ये मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। लर्निंग रेट होती है बेसिकली कि आप किस लर्निंग रेट पे जो है मॉडल को ट्रेन करवाना चाह रहे हैं, कितनी ईपॉक्स के लिए ट्रेन करवाना चाह रहे हैं, क्या बैच साइज रखना चाह रहे हैं, कितना ब्लॉक का साइज रखना चाह रहे हैं, ट्रेनर कौन सा रखना चाह रहे हैं। सो ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनका मॉडल ट्रेनिंग के टाइम पे यूज होगा, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इन इन पैरामीटर्स की वैल्यू को कम ज्यादा कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर नीड, बट फॉर इलस्ट्रेशन पर्पज आई एम कीपिंग दीज वैल्यूज एज सेम एज ओके, डिफॉल्ट वैल्यूज पे मैं इनको जो है रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बस कुछ भी नहीं करना उसको ये उसके बाद आपको ये वाली कमांड चलानी है। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि हम ऑटो ट्रेन लाइब्रेरी का यूज करके किसको ऑटो ट्रेन कर रहे हैं, LLM को ट्रेन कर रहे हैं,
और हाइफन हाइफन हम ट्रेन कर रहे हैं। फिर मॉडल का नेम, जो हमने मॉडल का नेम दिया ऊपर, बेसिकली किस ओपन सोर्स मॉडल को हम ट्रेन कर रहे हैं। अब ये क्या है कि यहाँ पे जो हमने इससे पहले वाली यहाँ पे जो हमने डिटेल्स जो दी हैं, वो सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे इस लास्ट लास्ट सेल में हम रीड करके ये एज ए वैल्यू टू दीज पैरामीटर वी आर पासिंग दीज टू एज पैरामीटर। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है हम लोग डेटा फोल्डर का नहीं यूज करेंगे क्योंकि उसमें हमने डाला ही नहीं। तो यहाँ पे डेटा फोल्डर का यूज करने के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक पैरामीटर है डेटा पाथ। बेसिकली आपको यहाँ पे अपने डेटा पाथ का पाथ देना है, आपका डेटा कहाँ पे होस्टेड है, ठीक है, और टेक्स्ट कॉलम का नाम देना है कि किस नाम से टेक्स्ट है। जैसा मैंने आपको बताया था इन कॉलम, बेसिकली इन वाले एग्जाम्पल्स में जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए थे उनमें एक टेक्स्ट कॉलम है। तो अगर कुछ और भी नाम रखना चाह रहे हैं तो आप वो नाम अलग रख सकते हो, लेकिन आपको फिर ट्रेनिंग करते टाइम जो पैरामीटर की वैल्यू पास कर रहे हैं आपको उसी कॉलम का नाम पास करना जो भी आप यहाँ पे रख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको यहाँ से बस डायरेक्टली जस्ट कॉपी कर रहा हूँ, या फिर मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, किसी को भी कॉपी कर सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली हगिंग फेस के ऊपर अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो है इस डेटा पाथ की बजाय मैं ये बस इसकी ये वाला डेटा पाथ दे दूंगा। और अगर आपके केस में मान लीजिए यहाँ पे डेटा हुआ होता तो आप क्या करते, यहाँ पे जाके एक CSV फाइल होती और उसका पाथ कॉपी करके, जैसे यहाँ पे कुछ फोल्डर का पाथ कॉपी कर सकते हो, आप यहाँ पे बस उसका पाथ दे देते। एक्चुअली इस फोल्डर का ही पाथ देना है, कॉपी पाथ, और यहाँ पे डायरेक्टली बस उसका फोल्डर का पाथ दे देते बस। और उस फोल्डर के अंदर जो ट्रेनिंग डॉट CSV है उसके अंदर कौन से कॉलम के ऊपर ट्रेन करना चाह रहे हो, ये उस कॉलम का नेम, ठीक है। और बाकी जो पैरामीटर्स है, ये लर्निंग रेट है, ये वाले पैरामीटर्स जो ऊपर डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे दी गई है वो बस यहीं से उठा रहे हैं। आप यहाँ पे कन्फिगर कर दीजिए, हम ज्यादा जो भी ऊपर नीचे करना है वो अकॉर्डिंगली यहाँ से रीड होके आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ से ये दो रीड कर रहे हैं बस, दैट्स इट। आपका हो गया, आपकी कन्फिग्रेशन पूरी हो गई है। अब आपको बस जो है इसको रन करना है। रन करने के बाद ये सारी चीजें जब रन हो जाएंगी तो आपका मॉडल जो है ट्रेन होकर आ जाएगा, आपका मॉडल जो है पूरा ट्रेन हो जाएगा। जैसे आप अभी एक बार ये ट्रेनिंग शुरू होती है तो मैं आपको इसके लॉग्स भी दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रनिंग LLM, और यहाँ पे इसने दिखाया भी है कि कौन कौन से पैरामीटर्स इसने लिए हैं। वर्जन नहीं दिया है हमने, ट्रेनिंग ट्रू, डिप्लॉय फॉल्स, इंफरेंस फॉल्स, डेटा पाथ इज दिस वन, ठीक है, ट्रेन स्प्लिट दिस, वैलिड स्प्लिट दिस, मतलब जो भी बेसिकली जो बहुत सारे पैरामीटर, जैसे हमने मॉडल बेस मॉडल कौन सा लिया है, लर्निंग रेट किस पे हम वो कर रहे हैं, कितनी ईपोक्स के लिए ट्रेन कर रहे हैं, ये सारी वही वैल्यूज हैं जो हमने यहाँ पे ऊपर कंफिगर करी, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे, अब ये जो है यहाँ पे इसकी जो है ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं लोडिंग चेक पॉइंट चार्ज। अब बेसिकली क्या है कि मैंने जो है यहाँ पे लामा टू का एक एक और आपको एक चीज और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने लामा टू आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने शार्डेड वर्जन यूज किया था। शार्डेड वर्जन ऐसा होता है कि बेसिकली वो डिफरेंट शार्ड्स में काइंड ऑफ स्टोर्ड होता है ये, तो नॉट एट अ सिंगल सिंगल प्लेस और नॉट इन एन इन अ सिंगल बाइनरी, तो वो शार्डेड फॉर्म में होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट शार्ड्स को यहाँ पे वो उनको डाउनलोड कर रहा है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लोडिंग चेक पॉइंट शार्ड्स। तो ये अब ये सारी चीजें अब चलेंगी, उसके बाद मॉडल की ट्रेनिंग शुरू होगी। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं टोकनाइजर, वो टोकनाइजर को वो कर रहा है ट्रेन, रनिंग टोकनाइजर ऑन ट्रेनिंग डेटा सेट, रनिंग टोकनाइजर ऑन ट्रेनिंग डेटा सेट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे आप यहाँ पे ग्रुपिंग टेक्स्ट इन चंक्स ऑफ 1024, 1024 के 1024 के साइज के टेक्स्ट के चंक्स को ग्रुप कर रहा है जो हमने टेक्स्ट कॉलम में दिए हुआ। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे ये हमारा जो टेक्स्ट कॉलम है, इस टेक्स्ट कॉलम के अंदर 1024 से ज्यादा टोकन्स अवेलेबल हो, तो वो क्या करेगा कि 1024 1024 के चंक्स उसको बना के तो देगा। ये देखो यहाँ पे क्रिएटिंग ट्रेनर, अब ट्रेनर को क्रिएट कर रहा है। अब ट्रेनर क्रिएट करने के बाद जो है इसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। जैसे आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि ये टाइम दिखा रहा है 5 घंटे 36 मिनट या 4 घंटे 57 मिनट, मतलब 5 घंटे रफली दिखा रहा है। तो डेफिनेटली मैं 5 घंटे तो यहाँ पे बैठने नहीं वाला हूँ। पर्पज इस वीडियो का यही था कि आप लोग सीख पाए कि कैसे लामा टू या किसी भी अदर ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल को
अपने डेटा सेट के ऊपर कैसे फाइन ट्यून करूँ मैं। तो ये जो जितने भी सारे लिंक्स जो मैंने आज की वीडियो में डिस्कस किए, उन सबका उन सबको जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा, आप वहां से रेफर कर सकते हैं। और मैंने ये वीडियो आपको सरल हिंदी भाषा में समझाने की कोशिश की है, आई होप कि आपको आई होगी समझ में। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट डाल के मुझसे पूछ सकते हैं। और जैसे कि आप वन मोर लास्ट थिंग यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मॉडल एक फोल्डर क्रिएट हो गया माई ऑटो ट्रेन एलएलएम। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये माई ऑटो ट्रेन एलएलएम क्या है, ये जो है मैंने वो नेम दिया था कि मैं जब मेरा प्रोजेक्ट या मेरा ट्रेन होने के बाद मॉडल जो है वो सारी डिटेल किस किस फोल्डर में आई, यहाँ पे मैंने ये वाला नेम दिया था, तो उसी नाम का यहाँ पे फोल्डर बन गया है। यहाँ पे फोल्डर बनने के बाद जैसे आप देख पा रहे हैं रन्स, जो जो रन होंगे उन सब की लॉग्स यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे, और सारी ट्रेनिंग से रिलेटेड वेट्स वगैरह वो सब कुछ जो है इसी फोल्डर के अंदर जो है जनरेट होंगे। इट जस्ट कि अब ये इट विल गो फॉर अ वाइल। अब यहाँ पे ये अभी टाइम दिखा रहा है कि 4 घंटे 47 मिनट तक ये चलेगी, तो 4 घंटे 47 मिनट 5 घंटे तो इज टू मच, सो आई एम नॉट गोइंग टू स्टे दैट मच। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, यू कैन सी कि आप कैसे ट्रेन कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज, एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट, एंड ड्रॉप मी कमेंट इफ यू वॉन्ट वीडियो ऑन सम पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड टू AI ML और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।